मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? हाँ ग्रेट। अच्छा, कोई भी डाउट बैंकिंग चैप्टर से? आई होप यू हैव रेड द चैप्टर। एंड गॉन थ्रू द टॉपिक्स। हाँ, डाउट तो नहीं है कुछ भी चैप्टर में, बट क्वेश्चंस लाइक आई वेंट टू मॉक एग्जाम वाला क्वेश्चन, तो वो काफी मतलब डिड यू ट्राई द एमसीक्यूज? यस। ओके, अभी हम लोग एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे आज। जो बुक में क्वेश्चंस है वो किया आप लोग ने? बुक हाँ के क्वेश्चंस वर फाइन, राइट? हाँ ओके, चलो। तो देन कोई डाउट्स नहीं है तो लेट्स गो थ्रू दिस, क्योंकि ये क्वेश्चंस में काफी कॉन्सेप्ट्स और भी मेरे को लगता है हम लोग को करने पड़ेंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव अ फाइनेंस हिस्ट्री एटसेट्रा। तो थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा फोकस करना होगा ये सब पे। तो आई हैव डाउनलोडेड द टेस्टलेट, सो वी कैन जस्ट डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन, बिलो इज अ समरी बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर डिपॉजिट्स एंड लोन्स कॉर्पोरेशन। यस, एक्सेल बंद हो गया। चेंज हो गया ऑर्डर। द ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट बैंकिंग मॉडल, जो कल हम लोग सिक्योरिटाइजेशन किए थे, हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन रिगार्ड टू द ओटीडी बैंकिंग मॉडल। Which of the following statements is true? अच्छा, यहाँ पे आंसर दिखा रहे हैं, बट लेट्स नॉट फोकस ऑन द आंसर। हम लोग खुद ट्राई करते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये आंसर होना चाहिए। हम लोग को निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच मीन्स थ्री स्टेटमेंट फॉल्स, वन स्टेटमेंट ट्रू। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग ओटीडी डिप्रेसेस द ओरिजिनेटिंग बैंक रिपोर्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या ये ट्रू लग रहा है? इन लोग बोल रहे हैं कि अगर ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू। व्हाई? क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओटीडी मॉडल में क्या होता है? ओटीडी मॉडल में एसेट्स ट्रांसफर होते हैं। तो आरओई पे नहीं इफेक्ट पड़ते हैं। इनफैक्ट आरओई इज लाइकली टू गो हायर बिकॉज नाउ द बैंक कैन मेक मोर लोन्स। ओके, ओटीडी इम्प्लाइज दैट इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ द एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम इम्प्लाइड बाय इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अच्छा, एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम अभी तक हम लोग किए नहीं है, वो इंश्योरेंस चैप्टर में आते हैं, बट आई विल टेल यू ऑल शॉर्ट में एडवर्स सिलेक्शन क्या होते हैं। एडवर्स सिलेक्शन बेसिकली होते हैं कि कैसे समझा भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी है एक, एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं आई विल चार्ज 100 रुपीज प्रीमियम।
कोई भी एक पॉलिसी के लिए लाइफ रिलेटेड 100 रुपीज प्रीमियम चार्ज करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अ पर्सन इज अ स्मोकर और नॉन स्मोकर। अच्छा, अब ये हम लोग को पता है कि कोई भी नॉन स्मोकर होगा उसका मरने का चांसेस हायर होगा, सॉरी जो स्मोकर होगा उसका मरने का चांसेस ज्यादा हायर होगा। तो आइडियली क्या होना चाहिए, हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी शुड चार्ज अ हायर प्रीमियम टू स्मोकर्स एंड अ लोअर प्रीमियम टू नॉन स्मोकर्स, राइट? बट इफ इट फिक्सेस द प्रीमियम, वो बोलते हैं स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बाकी कंपनीज आइडियली विल बी ऑफरिंग लेट्स से नॉन स्मोकर्स को 80 का प्रीमियम एंड स्मोकर्स को मान लो 120। तो क्या होगा कि जितने भी नॉन स्मोकर्स हैं दे विल गो टू अदर कंपनीज, और जितने भी स्मोकर्स हैं उन लोग सब इस कंपनी में आ जाएंगे क्योंकि उनको तो बेनिफिट मिल रहा है, करेक्ट? तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो ग्रुप ऑफ लाइव्स बनेंगे दे विल बी मजॉरिटी स्मोकर्स एंड अ वेरी स्मॉल नॉन स्मोकर सेगमेंट। इससे क्या होगा, क्लेम रेट हाई जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहे हैं, वो स्मोकर्स को ज्यादा इंश्योर कर रहे हैं, तो इसीलिए चांसेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी हैविंग टू पे आउट गोज अप। हम लोग इंश्योरेंस नहीं किए तो अगर ये पूरे एग्जाम्पल में कुछ भी है जो फॉलो नहीं कर पाए तो प्लीज टेल मी, समझ में आया ये क्या हुआ एग्जाम्पल में? यस, यस, नो, यस आया ना समझ में? तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन, इसको बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स का मतलब होता है बहुत खराब, बहुत ज्यादा नेगेटिव, और सिलेक्शन का मतलब कि बेसिकली हम लोग का जो ग्रुप है वो बहुत ही नेगेटिव की तरफ है। अब ओटीटी मॉडल में एडवर्स सिलेक्शन, अच्छा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री भी समझाना होगा। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगेन ये सब कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस से ज्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी होल्डर है, मान लो ए, ए इज अ पॉलिसी होल्डर, ए को कुछ डिजीजेस का हिस्ट्री है, ओके? जब वो पॉलिसी लेने जाते हैं, जब वो पॉलिसी लेने जाते हैं तो वो कुछ डिजीजेस तो डिस्क्लोज कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसके कारण उसका प्रीमियम अफेक्ट हो जाते हैं, बट सम डिजीजेस ही डज नॉट डिस्क्लोज, ही डज नॉट डिस्क्लोज दोज डिजीजेस। अब इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट ट्रैक एवरी सिंगल डिजीज और एवरी सिंगल इलनेस, तो ये क्या हुआ, ए हैज मोर इंफॉर्मेशन देन द इंश्योरेंस कंपनी। सिमिलरली ऑपोजिट में ये भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी बनाया, इतना फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है अभी, उन लोग क्या किए पॉलिसी का जो वर्डिंग्स है उसको बहुत एम्बिगुअस रखे, उसमें हिडन चार्जेस रखे, हिडन टर्म्स रखे, हिडन एज इन कि ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट पे नहीं है, वो डॉक्यूमेंट पे है बट इट इज नॉट क्लियर या इट इज नॉट वेरी एविडेंट। तो यहाँ क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हैज मोर इंफॉर्मेशन देन द पॉलिसी होल्डर। इसमें क्या हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, विच मीन्स आइडियली वर्ल्ड में क्या होना चाहिए, द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी बोथ शुड बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, दे शुड बी ट्रांसपेरेंट विथ ईच अदर, ताकि इंश्योरेंस कंपनी करेक्टली प्राइस कर पाए पॉलिसी और पॉलिसी होल्डर करेक्टली चूज कर पाए पॉलिसी। बट
ये सिमेट्री जब एग्जिस्ट नहीं करते दोनों में तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, जिसका मतलब है कि ईदर पार्टी इज एट अ बेनिफिशियल पोजिशन बिकॉज ऑफ होल्डिंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, अब ओटीडी मॉडल का अगर बात करें, ओटीडी मॉडल में क्या होता है, ओटीडी मॉडल में यूजुअली लोन्स को ग्रुप किया जाता है। इन केस ऑफ बैंकिंग दे ग्रुप लोन्स, लेट मी टेल यू फिनेंशियल ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ था। टू थाउजेंड सेवन एट में क्राइसिस आया था, दिस प्रोसेस स्टार्टेड बिफोर दिस। मॉर्गेज क्या होता है, व्हाट आर मॉर्गेजेस, लोन। लोन। ओके गुड, मोस्ट कॉमनली होम लोन्स, मोस्ट कॉमनली, क्योंकि मॉर्गेजेस में क्या होता है, मॉर्गेज में आप कोई चीज को गिरवी रखते हो, या जो भी चीज के लिए आप लोन ले रहे हो दैट इज योर कोलैटरल। ओके, तो प्राइमरीली होम लोन्स पे फोकस था, बैंक्स होम लोन्स देते थे। ओके, बैंक्स होम लोन्स देते थे। अब ऑफ कोर्स हर इंसान का क्रेडिबिलिटी अलग अलग होता था। नाउ टुडे थ्री डिफरेंट पीपल विल नॉट हैव द सेम क्रेडिबिलिटी, इट विल डिपेंड कि उन लोग का सैलरी क्या है, उन लोग का क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग, उन लोग के अदर कमिटमेंट्स क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर विल टेल द बैंक व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट दे शुड चार्ज। सो दे हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। उस टाइम क्या हो रहा था, मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चला हुआ था एंड लॉट्स ऑफ होम लोन्स वर बीइंग डिसबर्स्ड। व्हाई, बिकॉज जो हाउसिंग मार्केट था, हाउसिंग मार्केट एंड ऑल दिस वॉज हैपनिंग मेनली इन द यूएस, यूएसए में हो रहा था ये चीज, हाउसिंग मार्केट वॉज ऑन द राइज। ओके, हाउसिंग मार्केट का प्राइसेस बढ़ रहा था एंड बैंक्स वर डूइंग गुड प्रॉफिट्स ऑन लोन्स। क्या हुआ, धीरे धीरे बैंक स्टार्टेड बिकमिंग केयरलेस, इन द सेंस कि बैंक्स क्या करने लगे, बैंक्स सब प्राइम मॉर्गेजेस भी देने लगे, विच मीन्स सब प्राइम, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, वेन एवर यू आर गिविंग अ मॉर्गेज टू समवन तो यू विल हैव टू चेक देयर क्रेडिट वर्थीनेस। रेटिंग्स होते हैं, सब प्राइम वाले क्या कौन होते हैं, जिनका चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर हायर, तो इसीलिए ये बहुत अच्छे क्वालिटी नहीं होते हैं। ओके, नाउ इनको भी वो लोन्स देने लगे। फिर क्या हुआ, इन लोग ओटीडी मॉडल अप्लाई किए, ओटीडी मॉडल पे दे स्टार्टेड ग्रुपिंग डिफरेंट मॉर्गेजेस, मॉर्गेज ए बी सी डी ई, मान लो पांच मॉर्गेज को एक सिक्योरिटी में ग्रुप कर दिए, एक सिक्योरिटी में ग्रुप कर दिए, यही होता है ओटीडी मॉडल, राइट। नाउ अब ए बी सी डी ई में इनिशियली तो जो था, इनिशियली देर वर गुड लोन्स, तो इसीलिए द इंटायर सिस्टम वॉज डूइंग वेल। अब धीरे धीरे बैंक्स क्या किए, दे स्टार्टेड इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ सबप्राइम मॉर्गेजेस। एंड अब क्या होते हैं, आज सपोज यू आर गोइंग टू बाय अ सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटाइज एसेट है आप उसको बाय करने जा रहे हो, आप एक रफ आइडिया ले सकते हो कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट सिक्योरिटाइज एसेट। आज हम लोग पांच लोन्स का बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में प्रॉपर लोन बुक्स आर असाइंड, राइट, प्रॉपर लोन बुक्स आर असाइंड। तो जब पूरा लोन बुक असाइन होता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो एंड चेक इंडिविजुअली एवरी सिंगल लोन,
हर एक लोन या हर एक मॉर्गेज का आप नहीं दे चेक कर सकते हो कि उसका क्या क्रेडिबिलिटी है। एज एन इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड, व्हाट विल योर कंसर्न बी? योर कंसर्न विल बी अगर लोन के रिपेमेंट्स नहीं आए तो आपका रुपया नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज योर रिटर्न्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर ईएमआईस, राइट? अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके सबप्राइम मॉर्गेजेस का कंपोनेंट बहुत बढ़ गया। व्हाट इज द इंडिकेटर एज इन्वेस्टर्स, हम लोग के लिए इंडिकेटर क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक इंडिविजुअल बुक इंडिविजुअल लोन को नहीं देख सकते, कोई तो होगा जो देखेगा एंड हम लोग को हेल्प करेगा। दे आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टडी करते हैं और फिर सब बॉन्ड्स का रेटिंग आता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर ओटीडी मॉडल, इट इज फॉर एनी बॉन्ड दैट इज रिलीज्ड इन द मार्केट। हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अपना रेटिंग स्केल होता है, बट दे बेसिकली रेट ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस ऑफ डिफॉल्ट, कि कितना हाई चांसेस ऑफ डिफॉल्ट है, क्रेडिट रिस्क कितना हाई है। तो अगर अच्छा रेटिंग है, इसका मतलब है दैट योर मनी इज सेफर एज कंपेयर टू अ बैड रेटिंग। ओके, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और बैंक्स, बेसिकली बैंक्स स्टार्टेड इन अ वे मैनिपुलेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। उसके कारण उनके जो बॉन्ड्स इशू हो रहे थे, दोज बॉन्ड्स वर गिवन गुड रेटिंग्स। मान लो ए ए दे दिया, बी प्लस भी दे दिया, चलो कभी कभी ए प्लस दे दिया, दे वर गिविंग वेरी गुड रेटिंग्स। तो इन्वेस्टर्स वर गोइंग ऑन बाइंग एंड हाउसिंग मार्केट वॉज वेरी हाई, इसीलिए इन्वेस्टर्स को और भी मन था कि उन लोग इसमें जाए। अब क्या हुआ, हाउसिंग प्राइसेस केप्ट गोइंग अप और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड डिफॉल्टिंग, क्योंकि हम लोग को पता है कि सब प्राइम मॉर्गेजेस थे, विच मीन्स जो सैलरी एंड हाउस का एक रिलेशन होता है कि इतने सैलरी पे आप इतना का ही ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो, वो पूरा मिसमैच हो चुका था, क्योंकि बैंक्स हैड बिकम केयरलेस इन गिविंग दीज लोन्स, डिफॉल्ट स्टार्टेड। ओके, डिफॉल्ट स्टार्टेड, अब समझो क्या फ्लो बनेगा, डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा, बैंक के पास एसेट तो है, जो घर है उसको बैंक बेच सकते हैं, तो लॉट ऑफ सेलिंग स्टार्टेड हैपनिंग इन द हाउसिंग मार्केट। जैसे ही सेलिंग होता है, इसका मतलब क्या है, सप्लाई गोज अप, सप्लाई गोज अप एंड सप्लाई ऊपर जाने का मतलब धीरे धीरे प्राइस विल गो डाउन, क्योंकि एक्सेस सप्लाई सिचुएशन आ जाएगा, प्राइस विल गो डाउन एंड फिर चलो थोड़ा टाइम तक बैंक्स घर बेचे, उनको रुपया मिला। आफ्टर अ पॉइंट व्हेन बैंक्स वर ट्राइंग टू सेल हाउसेस, ईदर दे वर नॉट सेलिंग क्योंकि डिमांड ही नहीं था, और अगर सेल हो रहा था तो दे हैड टू सेल एट वेरी लो प्राइसेस, क्योंकि तब तक हाउसिंग मार्केट हो गया था क्रैश, बबल था। हाउसिंग मार्केट का जो प्राइसेस इतना बढ़ रहा था ना डिमांड हाई के कारण, दैट वॉज अ बबल। बबल क्या होता है, हम लोग को भी पता है, नॉर्मल में भी हम लोग बोलते हैं कि इसका बबल बर्स्ट हो जाएगा, तब ये रियलाइज करेगी। इट मीन्स यू आर लिविंग इन अ वेरी अनरियलिस्टिक वर्ल्ड, यू आर लिविंग इन अ वेरी अनरियलिस्टिक वर्ल्ड। जैसे ही ये बबल बर्स्ट होगा, एवरी थिंग विल गो डाउन, एंड यही हुआ हाउसिंग मार्केट के साथ। इनिशियली बहुत इजीली लोन्स अवेलेबल था, बोल के पीपल वर बाइंग हाउसेस, डिमांड वॉज गोइंग अप एंड प्राइसेस वर गोइंग अप, सो दिस वॉज अ वेरी अनवॉरेंटेड और बिना फाउंडेशन के ये इंक्रीज था, तो हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गया। अब जैसे ही हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ, डिफॉल्ट होने लगे एंड हम लोग का रुपया रियलाइज भी नहीं हो रहा था, इन्वेस्टर्स स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सारे डिफॉल्ट हो रहे थे धीरे धीरे। इन्वेस्टर्स का रुपया अटकेगा, बैंक रन होंगे,
एंड पूरा बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा, राइट? समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया क्या हुआ? वेरी वेरी बिग बैंक्स, मेन लेमैन ब्रदर्स करके था एक बैंक, लेमैन ब्रदर्स डिक्लेयर बैंक्रप्सी, बहुत बड़ा बैंक था, दे हैड टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी बिकॉज दे कुड नॉट पे आउट एनीथिंग। और भी बैंक्स, कुछ काफी बैंक्स टेक ओवर हो गए, और भी कुछ कुछ स्मॉलर स्केल बैंक्स बैंक्रप्ट भी हो गए। मेन नाम जीएफसी में हम लोग लेमैन ब्रदर्स का लेते हैं। समझ में आया क्या था? यू ऑल कैन ऑल्सो गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8। वर्ल्ड का अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स है इन द फाइनेंशियल डोमेन। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग इसको पूरा अच्छे से समझो कि क्या हुआ था। यस, किसी को? हम लोग का FRM सब्जेक्ट इस पे पूरा डिपेंडेंट है, मतलब पूरा एक्चुअली पूरा सब्जेक्ट में यही है क्या हुआ था। दैट्स राइट, इसीलिए आई सेड कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो जीएफसी एग्जैक्टली हुआ क्या था। अगर आप लोगों को मन है, वन ऑफ द वेरी नाइस मूवीज, मे बी यू ऑल हैव वॉच्ड इट, बिग शॉट करके मूवी है, और भी मूवीज है ऑन जीएफसी, बट बिग शॉट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। एंड उसमें बहुत अच्छे से दे हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। बिकॉज बिग शॉट में क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में शॉर्ट किसको बोलते हैं? इफ यू आर शॉर्टिंग समथिंग, व्हाट डज दैट मीन? सेल करना वेरी गुड, सेल करना, राइट? यहाँ पे सब क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे। एवरीवन वाज ऑन अ बाइंग स्प्री। देयर वाज दिस वन ग्रुप ऑफ पीपल, वेरी वेरी स्मॉल ग्रुप, हु आइडेंटिफाइड कि क्या हो रहा है। ओके, दे ओके। आइडेंटिफाइड क्या हो रहा है एंड दे अप्रोच बैंक्स। जो भी बड़े बड़े बैंक्स थे उनको अप्रोच किया गया एंड उनको बोला गया, वी आर शॉर्टिंग ऑल दीज सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड्स, विच मीन्स शॉर्टिंग मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे सबको रुपया कब मिलेगा, जब इन लोग रुपया देंगे। जब इन लोग रुपया नहीं देंगे, जब इन लोग डिफॉल्ट करेंगे तब इनको रुपया मिलेगा। एंड बैंक्स बहुत कॉन्फिडेंट थे बिकॉज एज आई सेड बबल चल रहा था। बबल में एवरी थिंग लुक्स वेरी फ्लारी, एवरी थिंग लुक्स वेरी गुड। तो बैंक्स हैप्पी, पहले तो मतलब मूवी में दिखाया हुआ भी है हाउ बैंक्स के जो एग्जीक्यूटिव है, बैंक्स के जिन लोग डील कर रहे थे उनके साथ, हाउ दे वर मॉकिंग देम, हाउ दे वर मेकिंग फन ऑफ देम फॉर डूइंग समथिंग लाइक दिस, बट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि उन लोग ये जो लोन बुक स्टडी का आई एम सेइंग, दे एक्चुअली टुक आउट लोन बुक्स एंड स्टार्टेड स्टडिंग कि आखिर उस बॉन्ड के नीचे में अंडरलाइंग क्या क्या है, विच इज वाई दे न्यू कि ये सब सबप्राइम होगा। तो उन लोग सेल करने गए एंड दे मेड बिग मनी। व्हेन एवरीवन लॉस्ट मनी, दे मेड बिग मनी क्योंकि इवेंचुअली एवरीथिंग वेंट डाउन। आया समझ में? तो इसीलिए ये बिग शॉट मूवी है, तो इट एवरीथिंग इज फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। सो दे हैव शोन कि बैकग्राउंड में भी क्या सब हो रहा है। एंड उन लोग एक सीन है पूरा जेंगा का ब्लॉक्स के साथ, उन लोग समझाए हैं, वन ऑफ दीज पीपल हैव एक्सप्लेन्ड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इट्स अ वेरी नाइस मूवी एंड इजिली अवेलेबल ऑल्सो, सो गो एंड वॉच इट वंस। ऐसी और भी बहुत सारी क्राइसिस हैं, टेक बबल क्राइसिस था 2000 में, उसके बाद देयर वाज अलग अलग इश्यूज को लेके क्राइसिस है। एक था जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड का है, वो जब मेरे को लगेगा कि ऐसा कुछ आ रहा है टॉपिक, देन वी कैन डिस्कस
उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। उसके ऊपर भी मूवी निकला था, आई हैवेंट वॉच्ड द मूवी, बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। उसमें बेसिकली सेम पर्सन वर्क्स इन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ द बैंक, और ट्रेड होते हैं वहां पे। तो वो क्या करता था, दैट पर्सन फ्रंट एंड पे क्या होता है, फ्रंट एंड पे होता है ट्रेड्स एग्जीक्यूट, एंड बैक एंड पे उनको वैलिडेट किया जाता है एंड अकाउंट किया जाता है। तो वो क्या करता था, वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता था जापान के इंडेक्स पे, निके इंडेक्स पे। ही यूज टू ट्रेड, रुको एक सेकेंड, आई थिंक मिल जाएगा नेम। मेरे को नेम नहीं मिल रहे, बट एज फार एज आई रिमेम्बर, मतलब ये लोड नहीं हो रहे, लंदन बेस में हुआ था मेरे ख्याल से, यूके में। एंड द ट्रेडर वाज बेसिकली ट्रेडिंग वेरी हेविली ऑन निके इंडेक्स, जो जापान का इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का। एंड वो क्या कर रहा था, दे वर वेरी वेरी अनवॉरंटेड ट्रेड्स एंड वेरी हाईली लेवरेज्ड। हाईली लेवरेज्ड मतलब लेवरेज्ड ट्रेड्स आर दोज जहां पे आप रुपया इतना सा लगा रहे हो, बट अगर रुपया डूबा तो इतना डूबेगा, विच मीन्स द कैपिटल विच यू आर इन्वेस्टिंग इज गिविंग यू वे मोर एक्सपोजर। ओके, तो वो फ्रंट एंड में ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता था, और बैक एंड में जाके इनको ऐसे अकाउंट करता था कि वो हाइड कर देता था विद इन अदर ट्रेड्स, विद इन अदर फाइल्स, क्योंकि आज बैंक्स के पास इतना हैवी, इतना वॉल्यूमिनस बुक्स होते हैं कि इफ अ पर्सन हैज कंट्रोल ओवर इट देन दे कैन रियली रियली मैनिपुलेट देम। एंड दिस इज ऑल ऑफ दीज आर थोड़ा पहले का बात। तो ऑब्वियसली विद एवरी क्राइसिस, विद एवरी इंसिडेंट, रेगुलेटर्स लर्न एंड दे अपडेट रेगुलेशंस। जैसे जीएफसी के बाद भी बहुत रेगुलेशंस आए थे, इनफैक्ट बेसिल में जो चेंजेस आया था वो भी 7-8 के बाद आए थे, बिकॉज दे रियलाइज दैट समथिंग हैज टू बी डन अबाउट दीज थिंग्स। ओके, इवन सिक्योरिटाइजेशन वॉज वेरी हेविली रेगुलेटेड आफ्टर जीएफसी। तो यहाँ पे भी यही हुआ था कि फिर उसके बाद निकेई क्रैश हुआ था। निके क्रैश होते ही दीज लॉसेस स्टार्टेड बिकमिंग एविडेंट, क्योंकि इतना टाइम से व्हेन ही वाज ट्रेडिंग तो इट वाज लुकिंग लाइक नॉर्मल बिजनेस, कि ठीक है किसी क्लाइंट के फोल्डर के अंदर अगर ये ट्रेड डाला हुआ भी है तो इट गोज अननोटिस्ड, बिकॉज इतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं था उस टाइम पे। जब निके क्रैश हुआ एंड फोल्डर्स में इतने ह्यूज लॉसेस दिखने लगे, तब उन लोग का नजर गया कि वेयर डिड दीज ट्रेड्स कम फ्रॉम। देन दे रियलाइज कि इट वॉज देयर फॉल्ट, देयर शुड ऑलवेज बी सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। अब कोई भी कहीं पे भी इफ यू स्टडी अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे फोकस अ लॉट ऑन सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। वाई? बिकॉज अगर सेपरेट नहीं करोगे ड्यूटीज लाइक दिस केस, तो फिर इफ अ पर्सन हैज एक्सेस टू मल्टीपल थिंग्स देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू मैनिपुलेट थिंग्स। ओके, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। आई वॉज बेसिकली लाइक
दिस गाय वॉज वेरी वेरी यंग, एंड उसके इस गलती के कारण, मतलब अभी हम लोग को लग रहा है कि ठीक है एक हुआ, बट द बैंक रियली रियली हैड टू सफर बिकॉज ऑफ जस्ट वन ट्रेडर. आई थिंक द रोज ट्रेडर मूवी का नाम है मेरे ख्याल से. हाँ, द रोज ट्रेडर नेक लेसन. मेरे को बार बार एन वर्ड याद आ रहा था. द ट्रेडर्स नेम वॉज नेक लेसन. मूवी का नाम इज द रोज ट्रेडर. एंड बैरिंग्स बैंक. अब सब याद आ गया. बैरिंग्स बैंक था लंदन का. ओके, समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ इस केस स्टडी में? हाँ ओके, चलो अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस. इन्वेस्टर्स ओटीटी इम्प्लाइज दैट इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ द एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम इम्प्लाइड बाय इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री. दिस इज वेरी ट्रू बिकॉज इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री हो गई. अभी हम लोग देखे हाउ इन्वेस्टर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन इन द लोन बुक्स. एंड एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम होने का भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बैंक क्या करेगा, बैंक चाहेगा कि जो थोड़ा सा हायर चांसेस ऑफ डिफॉल्ट वाले बॉन्ड लोन्स हैं वो पहले उनके बैलेंस शीट से उतरे और ट्रांसफर हो जाए. तो देर विल बी एडवर्स सिलेक्शन एंड देर विल बी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. ओके, अगर इन्फॉर्मेशन इम्प्लाइड बाय इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री क्यों? क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं होता, इफ इन्वेस्टर्स वर एबल टू अंडरस्टैंड द बॉन्ड्स एंड द अंडरलाइंग लोन्स इन इट, देन वो ये एडवर्स सिलेक्शन होते ही नहीं देते ना. बैंक्स कुड नॉट बेसिकली टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. देन बैंक्स वुड हैव टू बैलेंस आउट द रेटिंग ऑफ द बॉन्ड्स, द रेटिंग ऑफ द लोन्स. बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, तो बैंक्स कैन टेक एडवांटेज एंड एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, सो दिस वन इज ट्रू. थर्ड वन इज ओटीटी हैज एन इनहेरेंट अनअवॉइडेबल डिजाइन बग एंड पब्लिक रिलेशंस प्रॉब्लम. मेजनाइन एंड इक्विटी ट्रांचेस अब्सॉर्ब लॉसेस बिफोर सीनियर ट्रांचेस. दिस इज फॉल्स. कल हम लोग ने देखा कि इक्विटी ट्रांचेस अब्सॉर्ब करते हैं, मतलब बेसिकली जो ऑर्डर होता है ऑफ लॉस अब्सॉर्प्शन दैट इज देयर. ओके, वी सॉ दैट इट्स सीनियर मेजनाइन देन इक्विटी. ओके, ओटीटी वाज बैंड आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सच दैट इट कैन नो लॉन्गर बी कंडक्टेड विदाउट इनकरिंग ग्रेव रेगुलेटरी रिस्क. नो, सिक्योरिटाइजेशन स्टिल हैपेंस, बस इट इज वेरी हेविली रेगुलेटेड. इट इज वेरी हेविली रेगुलेटेड. ओके, तो ऐसा नहीं है कि ओटीटी बैन हो गया. अगर बैन हो गया होता देन वी वुड नॉट बी स्टडीइंग इट इतना ज्यादा. ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? यस, मैम, सॉरी, रोल ओवर रिस्क बताना है इधर। रोल ओवर रिस्क. ओके, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है ना? नहीं, रोल ओवर रिस्क वैसे आप लोग के मटेरियल में नहीं है. रोल ओवर रिस्क क्या होते हैं? रोल ओवर कब होते हैं? यूजुअली ये हैपेंस इन केस ऑफ लोन्स. ओके, कि मतलब कि आपको सपोज 10 ईयर्स का काम है, तो मैचिंग के हिसाब से आपको 10 साल का ही, लेट्स से आपको 10 ईयर्स का लोन एडवांस करना है बैंक को, तो आइडियली इट शुड टेक अ डिपॉजिट ऑफ 10 ईयर्स.
ताकि वो सेफ रहे कि 10 साल तक ये भी मांगने नहीं आएगा और 10 साल बाद ये रुपया दे देगा तो हम लोग इसको वापस दे देंगे। रोल ओवर रिस्क क्या बोलते हैं? रोल ओवर रिस्क बोलते हैं, इंस्टेड लेट से यू स्टार्ट इशूइंग 1 ईयर बॉन्ड्स टू रेज द मनी, ठीक है? 1 साल का बॉन्ड इशू किया, लेट से $50 मिलियन का, $50 मिलियन का बॉन्ड इशू किया और प्रोसीड से इसको लोन दे दिया 10 साल का। अब 1 साल बाद इसको रीपे करना होगा, बैंक विल हैव टू रीपे द बॉन्ड होल्डर्स। तो ये रुपया कहाँ से लाएगा 1 साल बाद? यहाँ से तो रुपया 10 साल में आएगा, 1 साल बाद वो एक और 1 साल का इशू करेगा, फ्रेश इशू करेगा, फिर फ्रेश इशू से $50 मिलियन आएंगे और वो ये वाले बॉन्ड होल्डर्स को रीपे हो जाएंगे। देन अगेन ये कीप्स कंटिन्यूइंग फॉर 10 ईयर्स, जो लास्ट वाला इशू होगा उसको रुपया यहाँ से मिलेगा। आया समझ में कि क्या हुआ है? नाउ नंबर 1, वाई वुड बैंक्स डू दिस? बैंक्स वुड डू दिस बिकॉज दिस इज वे चीपर, दिस इज वे चीपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना होगा बैंक्स को, करेक्ट? 1 साल के लिए कम इंटरेस्ट रेट देना होगा, तो मेनली ये रीजन होता है कि बेटर टर्म्स पे दे विल बी एबल टू रेज द मनी। यहाँ पे फंडिंग रेज हो रहा है तो फंड रेजिंग विल बी मोर इकोनॉमिकल इफ दे डू इट 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर करके। रिस्क क्या होगा? जब आप 10 साल के लिए करोगे तो आप इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर सकते हो। आज ही एज पर टुडेज टाइम यू कैन फिक्स लेट्स से एट 8%। 1 ईयर में भले ही आपको 6% पे मिल रहा है, बट आपको अगले टर्म रिन्यू करना होगा टर्म्स, हो सकता है तब तक वो 10% हो जाए। 1 साल में कुछ भी हो सकता है, राइट? हो सकता है कि एक 1 साल बाद इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि आप प्रोसीड्स इकट्ठा ही नहीं कर पाओ, देन यू विल हैव टू स्ट्रेट अवे डिफॉल्ट। तो इससे क्या हुआ, ये सिचुएशन को बोलते हैं रोल ओवर, बिकॉज वी आर रोलिंग ओवर आर डिपॉजिट्स। हम लोग एक इशू कर रहे हैं उसको रीपे करने के लिए दूसरा इशू कर रहे हैं, उसको रीपे करने के लिए तीसरा इशू कर रहे हैं। रोल ओवर का रिस्क है ये, दैट यू डू नॉट नो दैट नेक्स्ट रोल ओवर में व्हाट इज योर सिचुएशन गोइंग टू बी। ओके, गॉट इट? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आर अ थीमेटिक कंसर्न ऑफ रेगुलेटर्स एंड वायोलेशंस एज गार्ब सेज आर लाइकली टू बी कॉस्टली बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइंस एज वेल एज लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। कल हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट किए थे एंड हम लोग को पता है उससे फाइन तो लगेगा ही, प्लस रेगुलेशंस सॉरी रेप्यूटेशन भी अफेक्ट होगा, क्योंकि जैसे ही पब्लिक में ये बात फैलेगा दैट एक्स वाई जेड बैंक इज लेट्स से कोई भी एक एग्जाम्पल आ रहा है, मे बी उन लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं टू बाय द शेयर्स ओनली सो दैट दे बेनिफिट, तो दिस इज अ लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस प्रोबेबली इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट, विच मीन्स कि ये 4 में से 3 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक नहीं है। ओके, फर्स्ट वन इज बैंक होल्ड्स अ सेल्स कॉन्टेस्ट टू इनकरेज द प्रमोशन ऑफ अ न्यू रिटेल प्रोडक्ट बाय इट्स फाइनेंशियल प्लानर्स, बट इंस्टेड ऑफ कैश द प्राइस इज एन ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू एन एग्जॉटिक लोकेशन। तो सेल्स कॉन्टेस्ट हो रहे हैं टू इनकरेज प्रमोशन ऑफ न्यू रिटेल प्रोडक्ट, ओके, बट वो कैश नहीं दे रहे, वो ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू एग्जॉटिक लोकेशन है। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सिचुएशन। एडवाइजर्स आर ट्रेन्ड टू रेकमेंड द फर्म्स ओन प्रोडक्ट फॉर रिटायरीज बिकॉज द फर्म्स रिसर्च डिपार्टमेंट डिटरमाइंड द फर्म्स ओन प्रोडक्ट हैपेंस टू बी द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस, ठीक है?
यहाँ पे एडवाइजर्स रेकमेंड कर रहे हैं कि उसी फर्म का आप प्रोडक्ट्स लो, रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स का बात हो रहा है ऑब्वियसली फॉर रिटायरीज है, तो दिस इज एविडेंटली अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. थर्ड वन, ब्रोकर्स कॉम्पेंसेशन प्लान इंक्लूड्स अ 30% वेरिएबल बोनस कॉम्पोनेंट, बट इट इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड द इंसेंटिव प्लान इज डिस्क्लोज टू कस्टमर्स. दिस इज एब्सोल्यूटली नथिंग रॉन्ग. हर जगह वेरिएबल बोनस कॉम्पोनेंट होता है, वेरिएबल कॉम्पोनेंट होता है, एंड सिंस दिस वेरिएबल कॉम्पोनेंट इज बेस्ड ऑन समथिंग वेरी वैलिड, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड इट इज ऑल्सो डिस्क्लोज टू द कस्टमर्स, विच मीन्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है. तो ये ही लाइकली लग रहा है. लेट्स लुक एट द लास्ट वन. इन्वेस्टमेंट बैंक प्रेफर्स दैट इट्स सेल साइड एनालिस्ट इनिशिएट्स बाय रिकमेंडेशंस फॉर स्टॉक्स वेयर द बैंक सीज और ऑलरेडी हैज एन अंडरराइटिंग रिलेशनशिप विद द स्टॉक्स कंपनी, बट ओनली ऑन द कंडीशन दैट द कंपनी मीट्स द बैंक्स मिनिमम ईएसजी क्राइटेरिया. अच्छा, बिफोर वी लुक एट दिस पॉइंट, ईएसजी क्या होते हैं? अगेन अ वेरी वेरी ट्रेंडिंग एंड रेलिवेंट टॉपिक इन टूडेज वर्ल्ड. ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. एनवायरमेंटल मतलब ऑब्वियसली हम लोग सबको पता है क्लाइमेट एटसेट्रा पे आजकल बहुत फोकस है. सोशल मतलब पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नेंस मतलब कि जो भी उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, हाउ द मैनेजमेंट इज स्ट्रक्चर्ड, गवर्नेंस में डाइवर्सिटी एटसेट्रा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ट्रांसपेरेंसी, रिपोर्टिंग, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर गवर्नेंस. क्योंकि बहुत टाइम तक सिर्फ फिनेंशियल पैरामीटर्स पे थिंग्स वर जज्ड, बट टुडे दीज पैरामीटर्स हैव बिकम इक्वली इम्पॉर्टेंट. दे हैव बिकम इक्वली इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब हम लोग देखते हैं दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. इंडिया में भी सीएसआर का कॉन्सेप्ट आ गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर मेनली सोशल वर्ड है बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनवायरमेंट. कुछ भी दे आर डूइंग फॉर द सोसाइटी और द एनवायरमेंट कम्स अंडर सीएसआर. एंड व्हाई आर कॉर्पोरेट्स विलिंगली डूइंग इट? बिकॉज दे नो कि अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए एंड टू डू वेल इन द मार्केट्स दे हैव टू फोकस ऑन दीज नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑल्सो. ओके, दीज नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑल्सो. आजकल ऑल इन्वेस्टर्स दे डोंट जस्ट लुक एट द फाइनेंशियल्स, दे ऑल्सो लुक एट ईएसजी रिपोर्टिंग. देर आर स्पेसिफिक ईएसजी रिपोर्ट्स दैट आर जनरेटेड बाई कंपनीज इन ऑर्डर टू केटर टू दिस रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, मतलब ये क्लियरली समझ में आ गया था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि कल ही हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इन्वेस्टमेंट बैंक अपने एनालिस्ट को बोल रहा है बाय रिकमेंडेशन देने, क्योंकि बाय रिकमेंडेशन देगा तभी वो जो कंपनी है उसके साथ रिलेशन मेंटेन होगा. क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पीटर एंड एमिली आर हैविंग अ फ्रेंडली डिबेट अबाउट रेगुलेटरी पॉलिसी एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ मॉरल हैजर्ड. कल मॉरल हैजर्ड किए थे हम लोग, वेयर इंश्योरेंस लेने से जब पता होता है कि इंश्योरेंस लिया हुआ है देन पीपल टेंड टू बिकम मोर केयरलेस. मैरी कंटेंट्स दैट डिपॉजिट इंश्योरेंस गिव्स राइज टू अ मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम. पीटर असर्ट्स that moral hazard is merely theoretical. He says it's an academic concern but not a realistic concern in the marketplace.
Mary points to Acme Bank as evidence of a moral hazard problem. If it is a true observation, which of the following observations offers the best evidence in favor of the existence of a genuine moral hazard problem that has not been addressed or resolved? Which means, question kya bolna cha rahe ki charo mein se kaun sa situation hai jo best moral hazard ko represent karte hai. Okay, ये चीज हम लोग को सीखना आएगा. एग्जाम में बहुत बिग एमसीक्यूज आते हैं. ऑप्शंस आर आल्सो बिग, क्वेश्चंस आर आल्सो बिग. तो वी हैव टू लर्न हाउ टू फिल्टर आउट द रेलेवेंट पार्ट्स. अब इसमें ऊपर का जितना भी पार्ट था दैट वाज इररिलेवेंट. क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम बेस्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जेन्युइन मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सिचुएशंस. Acme pays higher premiums to its primary federal regulator due to higher risk of its assets. This is clearly not a moral hazard. In fact, हम लोग moral hazard के लिए जो mitigation discuss किए थे कि जहां पे risk high होगा वहां पे आपको premium भी high करना पड़ेगा या rate भी high करना पड़ेगा. यहाँ पे वही हो रहा है कि regulator is going by the riskiness of the assets and उसके हिसाब से वो premium charge कर रहे हैं. So there is no scope for moral hazard, right? Second option, Acme Bank offers higher interest rates to depositors in order to fund additional loans with very high yields. का मतलब क्या है कि interest rates जो depositors को जा रहे हैं, मतलब let's say 4% जाता ideally, but अब bank क्या कर रहे हैं, bank 4% की जगह 5-6% पे दे रहे हैं. Okay? तो हायर इंटरेस्ट रेट्स टू डिपॉजिटर्स इन ऑर्डर टू फंड एडिशनल लोन्स विथ वेरी हाई यील्ड्स. तो इससे क्या होगा कि बैंक को पता है भले वो नहीं मीट कर पाए वो इंटरेस्ट रेट्स एंड डिफॉल्ट कर जाए, बट क्या होएगा, बैंक अट्रैक्ट करेगा हायर इंटरेस्ट रेट से कस्टमर्स को एंड डिपॉजिट्स लेगा जिससे कि एडिशनल लोन्स दे पाएगा हायर यील्ड्स पे. ओके, तो यहाँ पे आया मॉरल हैजर्ड. सेकंड वाला क्या बोल रहा है, एक्मे बैंक ऑफर्स लोअर इंटरेस्ट रेट्स टू डिपॉजिटर्स इन ऑर्डर टू फंड एडिशनल लोन्स विथ वेरी लो यील्ड्स. इसमें मॉरल हैजर्ड कुछ नहीं हो रहा, बैंक बेनिफिट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि लो यील्ड्स हो रहे हैं. एक्मे शेयर होल्डर्स डिसाइड टू इंक्रीज देयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एज कॉम्पेंसेशन फॉर एक्मेज हायर लेवरेज. यहाँ पे भी खराबी हो रहा है एक्मे के साथ, क्योंकि क्या हो रहा है, जब शेयर होल्डर्स डिसाइड करें टू इंक्रीज देयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बिकॉज ऑफ हायर लेवरेज, देन दे आर बेसिकली अक्नॉलेजिंग द हायर रिस्क इन एक्मे. मॉरल हैजर्ड तब होता है जब दे डू नॉट अक्नॉलेज द हायर रिस्क, क्योंकि उनको लगता है दैट हायर रिस्क इज बीइंग कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस. तो समझ में आया वाई बी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे हम लोग मटेरियल का एक एक्सट्रैक्ट दिया आई थिंक. तो जब आप लोग मटेरियल रीड कर ही चुके तो यू ऑलरेडी नो दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, डू यू ऑल नो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? If not, ये वाले को हम लोग एक बार मार्क करके छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसके लिए वी विल हैव टू डू अ सेशन ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट आई विल डू इज आई थिंक मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स है ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरी एक्सटेंसिव रिकॉर्डिंग्स, सो आई विल शेयर दोज रिकॉर्डिंग्स ताकि आप लोग को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए एंड देन वी विल डू दिस क्वेश्चन. प्लीज यू ऑल ऑल्सो मेक अ नोट समवेयर, जहां पे भी आप नोट्स एंड ऑल ले रहे हो, कि दिस पर्टिक्यूलर क्वेश्चन यू ऑल कैन जस्ट राइट डी एल सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन. एंड कभी अगर बाई चांस विद कोर्स ऑफ टाइम इफ आई फॉरगेट ऑल्सो वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन. ओके, बिलो इज अ हाइपोथेटिकल समरी इनकम
स्टेटमेंट फॉर डिपॉजिट्स एंड लोन्स कॉर्पोरेशन। तो ये इनकम स्टेटमेंट है विच इज बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझना बैंक्स का इनकम स्टेटमेंट। सारा फिगर्स मिलियंस में है। 4.5 मिलियंस का नेट इंटरेस्ट इनकम है। अरे यार अगेन इट विल गेट रीशफल्ड आई थिंक। फिर से रीशफल हो गया। ओके लेट मी जस्ट ये रहा। तो 4.5 का नेट इंटरेस्ट इनकम है विच मींस दैट जो इंटरेस्ट दिया एंड जो इंटरेस्ट लिया नेट में करके इनकम होना चाहिए जिसको हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। उससे आया है 4.5 मिलियन डॉलर्स। लोन लॉसेस, लोन लॉसेस बेसिकली डिफॉल्ट एंड ऑल जो भी प्रोविजन, लोन लॉसेस है 1.2 डॉलर्स का विच इज एन एक्सपेंस। नॉन इंटरेस्ट इनकम, लेट से बैंक अगर इन्वेस्ट करके रखा है तो अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो, या फिर लॉकर्स दिया हुआ है, लॉकर रेंट आते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर नॉन इंटरेस्ट इनकम। कोई भी ब्रोकरेज फीस एंड ऑल है, ऑल दैट। एंड नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज हो गए, रेंट हो गया, ऑल ऑफ दीज कम अंडर नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इज 0.9 डॉलर्स नेट में। रिस्क कैन अफेक्ट एनी लाइन इन द इनकम स्टेटमेंट बट अकॉर्डिंग टू हल ईच मेजर रिस्क कैटेगरी टेंड्स टू बी प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ सर्टन एक्टिविटीज एज दे मैनिफेस्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन रिगार्ड टू दिस एसोसिएशन बिटवीन अ मेजर रिस्क टाइप एंड इट्स प्राइमरी इनकम स्टेटमेंट इम्पैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू एक्सेप्ट विच इज इनएक्यूरेट। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हर एक रिस्क जो होता है वो रिस्क कोई एक इनकम स्टेटमेंट के आइटम पे अफेक्ट होता है। विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट रिस्क है तो मार्केट रिस्क आप लोगों को क्या लगता है मार्केट रिस्क इनकम स्टेटमेंट में कहाँ पे शो करेगा? वेयर इज मार्केट रिस्क गोइंग टू रिफ्लेक्ट? बोलो ये चार आइटम है मार्केट रिस्क में जो भी इन्वेस्टमेंट्स है एक्सेट्रा है वो अफेक्ट होंगे। नॉन इंटरेस्ट इनकम, वेरी गुड, क्योंकि वहां पे डिविडेंड्स आएंगे, कैपिटल गेन्स आएंगे, जो भी हम लोग को सेल पे कैपिटल गेन्स हुए या फिर जो भी हम लोग को डिविडेंड्स मिल रहे हैं तो नॉन इंटरेस्ट इनकम पे मार्केट रिस्क आएंगे। क्रेडिट रिस्क कहाँ आएगा? लोन लॉसेस, लोन लॉसेस में, क्योंकि वहां पे हम लोग लोन्स पे डिफॉल्ट्स देख रहे हैं, राइट? तो अब देखते हैं, उसको सबमिट भी तो करना होगा। क्रेडिट रिस्क प्राइमरली अफेक्ट्स लोन लॉसेस, ये ट्रू है। लिक्विडिटी रिस्क प्राइमरली अफेक्ट्स नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, नॉट रियली। नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस में मेनली ऑपरेशनल आएगा क्योंकि वहां पे सैलरीज, रेंट ये सब होगा, राइट? तो अगर रेंट ऊपर चला गया या सिस्टम फेलियर्स हो गए या फिर पीपल प्रॉब्लम्स हो गए तो नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस अफेक्ट होगा। That means operational risk will affect non-interest expense, which is option C. Market risk affects net interest income and or non-interest income. Net interest income क्यों? क्योंकि net interest income में भी market का ये role होगा that market में अगर interest rates, blanket interest rates move, then banks will also have to alter their interest rates accordingly. इसीलिए बोलते हैं net interest income में भी market risk ही reflect होता है। बिकॉज मार्केट रिस्क में हम लोग अलग अलग कॉम्पोनेंट्स किए थे, पीरियड फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट्स, इक्विटी एंड कमोडिटी। तो इक्विटी, कमोडिटी एंड फॉरेक्स ये सब तो नॉन इंटरेस्ट में आएगा, बट इंटरेस्ट रेट का जो मार्केट रिस्क होगा वो नेट इंटरेस्ट इनकम में आएगा, ठीक है? अच्छा
अब ये तो हो गया कि लिक्विडिटी रिस्क नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस को नहीं होगा, लिक्विडिटी रिस्क आएगा कहाँ पे? लिक्विडिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ बैलेंस शीट इश्यू। कभी भी अगर आप लोग स्कूल में भी रेशियो एनालिसिस किए हो, अकाउंट्स अगर था, अगर रेशियो एनालिसिस किए हो तो उसमें जितना लिक्विडिटी रेशियोज होता था, कोई भी वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं उठेगा। लिक्विडिटी में ऑल वैल्यूज आर पिक्ड अप फ्रॉम द बैलेंस शीट, ठीक है? क्योंकि बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाता है कि लिक्विडिटी कितना है, बिकॉज लिक्विडिटी इज कम्प्लीटली अ मैच बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इट हैज नथिंग टू डू विथ इनकम और एक्सपेंसेस। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन वन देखते हैं, ये हम लोग का मिस हो गया ना। बिलो आर डिस्प्लेड, बस हम लोग आई थिंक आज यही क्वेश्चन तक करेंगे जो अभी कर रहे हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस वील डू नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम लेके करना ये क्वेश्चंस, जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स था उतना ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है। यू ऑल कैन ऑल्सो सी कि मैथ में जो कॉन्सेप्ट्स है उनसे काफी डिफरेंट क्वेश्चंस है, तो इसलिए वी हैव टू गिव इक्वल और मोर वेटेज टू द क्वेश्चंस, क्योंकि इवेंचुअली एग्जाम में यही आने वाला है। बिलो आर डिस्प्लेड द लोन्स अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ डीएलसी फॉर योर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 एंड ब्रेकडाउन्स ऑफ अलाउंस फॉर लोन लॉसेस। तो हम लोग इन इनकम स्टेटमेंट देख चुके हैं, अब बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग को पता है कि बैंक के बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे लोन्स आते हैं, क्योंकि वो बैंक के लिए एसेट्स है, उससे उन लोग को रुपया मिलेगा। तो लोन्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब कि आज के दिन पे उसका क्या वैल्यू होना चाहिए। ऑल राइट, सो दैट इज, ओ ये हमेशा बैलेंस शीट में दो दो साल का इंफॉर्मेशन होता है, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। तो 2015 का इंफॉर्मेशन है विच इज लास्ट ईयर, एंड इस ईयर एंड ऑफ डेट पे ये वैल्यूएशन हुआ है। अलाउंस फॉर लोन लॉसेस है 98.6 का, एंड नेट ऑफ अलाउंस 12,800.4 मिलियन डॉलर्स का लोन्स है हम लोग के पास। अब जो अलाउंस फॉर लोन लॉसेस है, एक बात बोलो, आप लोग सबका यहाँ पे अकाउंटिंग बैकग्राउंड है? ऑल ऑफ यू नो बेसिक अकाउंट्स? हाँ ग्रेट, मेड इट इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन। अकाउंट्स अगर की हो तो आई एम श्योर आप लोग देख लो बैलेंस शीट में, ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं, उसमें लेस होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट? एंड देन नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। ट्रेड रिसीवेबल्स आर द लोन्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर अलाउंसेस फॉर लोन लॉसेस, एंड देन नेट ट्रेड रिसीवेबल्स या नेट लोन्स है हम लोग के पास। अब पहले आप लोग का अकाउंटिंग टेस्ट करते हैं, लेट्स सी 31 दिसंबर 2015, विच इज प्रीवियस ईयर एंडिंग, माई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स स्टूड एट 200। ओके, ड्यूरिंग द ईयर मेरे को बैड डेट्स हुए ऑफ 120। इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है? वेयर इज दिस बैड डेट चार्ज्ड? डेटर प्रोविजन फॉर डेट बेटर फुल डाउट में माइनस हो जाएगा है ना, विच मीन्स कि ये जो 120 है आइडियली ये एक्सपेंस है देखा जाए तो, राइट? बट हम लोग इसको प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉफिट लॉस में ऑलरेडी स्टार्टिंग से ये 200 रुपया चार्ज करके रखे हैं। प्रोविजन क्रिएट करने का एंट्री क्या होता है? हम लोग चार्ज करते हैं पीएल को टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट? ये एंट्री हम लोग पास करके रखे हैं। तो हम लोग क्यों हम लोग वापस से पीएल पे जाएंगे बैड डेट होने से? इसका एंट्री होगा
बैड सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कम करेंगे। हाँ पीएल से कम नहीं करेंगे अब राइट बोलो एवरी हाँ अग्रीज विद दिस। तो इसका मतलब बैड डेट का कोई इफेक्ट पीएल पे नहीं गया, एवरीवन अग्रीज। अब लेट्स से 31 दिसंबर 2016 को मेरे को लगता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड स्टैंड एट 150। तो अब क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? PL2PDD 70 70, वेरी गुड। क्योंकि ये 120 के बैड डेट के बाद, 120 के बैड डेट के बाद अगर हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म बनाए, ओपनिंग प्रोविजन इतना था माइनस करंट ईयर लॉसेस 120 हो गया, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरा 80 बचा। मेरे को क्लोजिंग बैलेंस बनाना है 150, तो आई विल हैव टू मेक फ्रेश प्रोविजन। और फ्रेश प्रोविजन बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट पे चार्ज होते हैं, कितना का? 70 का, विच इज द बैलेंसिंग फिगर। अग्रीड ये पूरे सिचुएशन में? नो डाउट, नो वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे सेम डिट्टो चीज हो रहा है। अलाउंस फॉर लोन लॉसेस विच मीन्स ओपनिंग बैलेंस 153 का है, लोन्स चार्ज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर या एंड रिकवरीज ऑफ प्रीवियसली चार्ज ऑफ, ये क्या है? ये बेसिकली जो हम लोग करेंट ईयर लॉस बोल रहे हैं या करेंट ईयर बैड डेट बोल रहे हैं ये वो है। तो नेट चार्ज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 175 का हुआ। प्रोविजन फॉर लोन लॉसेस जो हम लोग नया बनाए हैं वो है 120 का, तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ एंड ऑफ द ईयर? 98.6 का हम लोग का आउटस्टैंडिंग अलाउंस है। अंडरस्टूड? अब देखते यस हैं अबाउट दीज अकाउंट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एक्सेप्ट विच इज फॉल्स। तो इसमें से गलत क्या है? पहला वाला बोल रहे हैं द एक्चुअल नॉट एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस फॉर डीएलसी वर 195 बिफोर नेटिंग एनी रिकवरीज। अग्रीड, रिकवरी क्या है? बेसिकली बैड डेट रिकवरी है। हाँ तो बैड डेट हुए कितने इस साल? 195 ही हुए, तो एक्चुअल लोन लॉसेस इज 195 बिफोर नेटिंग, सो दिस इज करेक्ट। बी द बुक वैल्यू और द कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डीएलसीज रिपोर्टेड टोटल एसेट्स इज 12,801.4 मिलियन, विच इज करेक्ट। हम लोग हमेशा नेट वाला को ही एसेट काउंट करते हैं राइट, क्योंकि नेट करके देखेंगे एसेट, वैल्यू भी लुक एट 12,900 मैच नहीं होगा बैलेंस शीट हम लोग का। द मोस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डीएलसी 2016 इनकम स्टेटमेंट इज नेट चार्ज ऑफ विच रिड्यूस डीएलसी रिपोर्टेड प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम बाय 175 मिलियन। दिस इज रॉन्ग। इनकम स्टेटमेंट पे कौन सा वैल्यू जाएगा? 98.6 नहीं, इनकम स्टेटमेंट पे क्यों जाएगा 98.6? 98.6 तो क्लोजिंग बैलेंस है। इस साल हम लोग 120 का एडिशनल प्रोविजन बनाए हैं ना, क्योंकि 153 का प्रोविजन था उसमें से 175 का नेट में बैड डेट्स हो गया, ठीक है? तो अब हम लोग को 98.6 का प्रोविजन होल्ड करना है। बैलेंस शीट पे देखो 98.6, अरे यार 98.6 का प्रोविजन होल्ड किया हुआ है, करेक्ट यहाँ पे। तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट पे क्या गया? 120 जाएगा ना जो फ्रेश प्रोविजन बने। वो आया समझ में क्यों हुआ? ग्रेट, तो दैट मींस कि ये रॉन्ग है। तो दिस वन इज डेफिनेटली रॉन्ग।
इनकम स्टेटमेंट इम्पैक्ट विल बी 120 नॉट 175। फिर भी लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इफ 2016 प्रोविजन फॉर लोन लॉसेस हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 मिलियन टू 200 मिलियन, मतलब कि जो प्रोविजन फॉर लोन लॉसेस नया बनाए हैं हम लोग, 120 जो वैल्यू है अगर वो 200 होता, दैट इज नियरर टू लोन्स चार्ज्ड ऑफ, देन रिपोर्टेड एसेट्स एंड इक्विटी वुड हैव बोथ डिक्रीज्ड। नो आई मीन सॉरी यस, क्योंकि क्या होता, 120 की जगह 200 का अगर बनता तो अलाउंस फॉर लोन लॉसेस और बढ़ जाता 80 से, राइट right? अगर 80 से लोन लॉसेस और बढ़ जाता तो एसेट्स 80 से कम होता, एसेट्स 80 से कम होता, और एंट्री क्या होता वो एडिशनल 80 का, एडिशनल 80 का एंट्री होता पीएल डेबिट टू पीडीडी, या इन दिस केस अलाउंस फॉर लोन लॉसेस, राइट। इससे हम लोग का ये वाले से एसेट्स कम होता और इससे क्या होता इक्विटी कम होता, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कहाँ जाते हैं, सरप्लस जो होते हैं वो इक्विटी में ही जाते हैं, तो इक्विटी से ही निकालते हम लोग इस रुपया को, अग्रीड? यस। सो डी इज ऑल्सो ट्रू, ओनली सी इज रॉन्ग। इनकम स्टेटमेंट पे 175 नहीं 120 जा रहे हैं। एनी डाउट्स एनीवन? आज तो नहीं है, नहीं है। सारा क्वेश्चंस जो हम लोग किए ए टू जेड समझ में आया, एवरी कॉन्सेप्ट, बिकॉज एवरी वर्ड इन द क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग उसको बिना डिस्कस किए छोड़ दें, क्योंकि एग्जाम में वो वापस आ सकते हैं कोई और फॉर्म में। ओके चलो ठीक है। देन सिक्स क्वेश्चंस आई थिंक हम लोग कर लिए हैं, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, तो रिमेनिंग 6 वील डू टुमारो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।